मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। बेटा कोरोना संक्रमित हुआ तो पिता ने रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और छोड़ के ही चला गया। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान ही लोग अपने परिवार को घर के अंदर रखने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसी दौरान ही उनके लिए खाना बटोर रहे हैं कि उनके घर वाले जो है वो सेफ रहे। इस दौरान ही काफी सारी जो कि इंसानियत की शक्लें बाहर निकल के आ रही हैं। कुछ लोग एक्चुअली में कोरोना के चलते हुए लोगों की भी मदद कर रहे हैं, पर कुछ रिश्ते जो है वो तार तार भी हुए जा रहे हैं और कुछ बेकार रिश्तों की शक्ल भी बाहर निकल के आ रही है। जैसे कि आज हमारे सामने ये पूरी जानकारी कलकत्ता के सिलदा रेलवे स्टेशन से आ रही है, जहां पर 13 साल का बच्चा रोते हुए रेलवे स्टेशन में पाया गया। उसके हाथ में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट थी जो कि पॉजिटिव थी। इस दौरान ही उसको एक एनजीओ में पहुंचाया गया और उसको देखा गया तो बताया गया कि उसकी हालत इस वक्त एकदम ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया हुआ है। इस दौरान जब उससे बच्चे से बात की गई तब उस बच्चे ने ये चीज बताया कि जब मेरे पापा को पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तभी के तभी वो मुझे रेलवे स्टेशन में छोड़ के चले गए। हालांकि पिता ऐसा अपने बच्चे के साथ 13 साल के बच्चे के साथ कैसे कर सकता है, ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला है। कोरोना वायरस ने वैसे तो तबाही मचाई ही दी है, पर उसी के साथ साथ लोगों के माइंड पे काफी गहरा असर डाल रही है। इसीलिए बस यही बताया जा रहा है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों से बातें करें और पॉजिटिव रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। जरूरत का काम हो तभी घर से बाहर जाएं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।